हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 1981 की एक एडल्ट कॉमेडी रोमांस फिल्म लाया हूं, जिसका नाम है प्राइवेट लेसन्स। फिल्म की शुरुआत में हमें दो दोस्त दिखाए जाते हैं और उनके नाम फिली और शर्मन हैं। वे दोनों 15 साल के हैं। ये दोनों अपने सीनियर की पार्टी को सीक्रेटली दूर से देख रहे हैं। शर्मन की कजिन जॉयस भी पार्टी में है और जॉयस का बॉयफ्रेंड उसे पूल में फेंक देता है और बाद में वो अपने कपड़े बदलने के लिए बाथरूम जाती है। तो फिली और शर्मन छिपते हैं और जॉयस को कपड़े बदलते देखते हैं, लेकिन तब उनके टीचर उन्हें पकड़ लेती है और फिली बताता है इस उम्र में ऐसी चीजों के बारे में उत्सुक होना आम बात है। और टीचर उसे बताती है कि उसे अपनी उम्र की लड़की से दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन फिली को उससे बड़ी उम्र की लड़कियों में ज्यादा दिलचस्पी है। फिली के पिता एक अमीर आदमी है, इसलिए उनके घर में कई नौकर हैं। फिली एक दिन देखता है उनके पिता ने एक नई हाउसमेट को काम पर रखा है जिसका नाम मैलो है, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फिर अगले दिन फिली के पिता एक बिजनेस के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं और वो अपने ड्राइवर लेस्टा को बुलाता है कि वो फिली की देखभाल करे, लेकिन लेस्टा को फिली बिल्कुल पसंद नहीं है। उसी दिन मैलो फिली के पास आती है और उससे बात करने लगती है। मैलो फिर फिली से पूछती है कि हाउसकीपर रात में मस्ती के लिए क्या करते हैं, जिसे फिली मैलो को बताता है। यहाँ की सारे हाउसकीपर ने बूढ़े हो गए हैं एक्सेप्ट तुम। तो मैलो फिली को बताती है कि आपको बाकी हाउसकीपर के साथ बात करने में ज्यादा मजा नहीं आएगा जैसा जितना मुझसे बात करने के लिए आ रहा है। बाद में फिली ने मैलो की टांगों को देखता रहता है, तब मैलो इसे समझती है और फिली को फ्लर्ट करना शुरू करती है, जिससे फिली वहां से बेचैन हो जाता है। बाद में मैलो ने किसी काम के लिए लेस्टा के साथ बाहर जाती है, तो इधर फिली ने सीधा अपने कमरे में जाता है और अपने अंडरगारमेंट को देखने लगता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि लेस्टा और मैलो किसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं और लेस्टा चाहता है फिली के पिता के लौटने से पहले वो फिली मैलो के साथ इंटीमेट हो, लेकिन मैलो ने ऐसा करना पसंद नहीं करती है। लेकिन लेस्टा ने उसे ब्लैकमेल करता है और उसे ऐसा करने के लिए कहता है। उसी रात फिली ने मैलो को अपने दोस्त शर्मन के साथ कपड़े बदलते देखने की कोशिश की, तो मैलो उन्हें देखती है और लाइट बंद कर देती है, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता। ये लगता है कुछ दिनों तक ऐसे ही चलते रहें और फिली ने मैलो के इर्द गिर्द मंडराने लगता है और वो धीरे धीरे मैलो के करीब होने लगता है। अगले दिन फिली फिर से मैलो के कमरे में देखने की कोशिश कर रहा है, तो मैलो उसे पकड़ लेती है और उसे कमरे के अंदर आने के लिए कहती है और मैलो उसे बताती है कि अगर वो चाहता है उसे उसके कपड़े उतारते हुए देखे तो उसने पहले क्यों नहीं बताया। बाद में मैलो ने फिली को दरवाजा बंद करने के लिए कहती है। इसके बाद मैलो ने फिली के सामने एक एक करके सारे कपड़े उतार देती है और हो जाती है पूरी तरह से नंगा, और ये देखकर फिली बहुत एक्साइट हो जाता है। और इसके बाद मैलो ने फिली को बताती है अगर आप चाहते हो तो आप मुझे छू सकते हैं, लेकिन ये सुनकर फिली बहुत नर्वस हो जाता है और वहां से चला जाता है। और अगले दिन मैलो ने फिली को बताती है कि मैं आज रात आपसे मिलने आऊंगा और फिली भी सहमत है। और बाद में फिली ये सब अपने दोस्त शर्मन को बताता है और उसी रात फिली ने मैलो का दौरा करने जाता है। तब वो देखता है वहाँ मैलो ने बाथटब में होती है और फिर मैलो ने उसे बाथटब में आने के लिए कहती है। तब फिली ने शुरू में मना करता है, लेकिन मैलो ने उसे मना लेती है। फिर फिली बाथटब जाता है, तब मैलो कोशिश करती है कि फिली को सेड्यूस करने के लिए, लेकिन फिली नर्वस हो जाता है और वहां से भाग जाता है। तब मैलो ने जाने से पहले फिली को रुकने के लिए कहती है और उसे उसके साथ इंटीमेट होने की पेशकश करती है। और अगले दिन फिली ने शर्मन को सब कुछ बताता है और शर्मन ने फिली को बताता है वो मैलो कहीं न कहीं प्रोस्टिट्यूट लगती है और इसीलिए वो तुम्हारे साथ इतनी आसानी से इंटीमेट होना चाहती है। लेकिन फिली को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं लगता है क्योंकि वो मैलो को पसंद करने लगे हैं। और बाद में वो रात वो मैलो को एक मूवी शो में ले जाता है और मूवी देखते समय मैलो ने फिली को सेड्यूस करने की कोशिश करती रहती है और उससे पूरे रास्ते किस करते रहती है, और लेस्टा ये सब देख रहा है। अब घर आने के बाद दोनों इंटीमेट होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले फिली ने मैलो को बताता है कि वो प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। तब मैलो ने बताती है कि हम कभी शादी नहीं कर सकते क्योंकि उनमें बहुत बड़ा एज गैप है। तब फिली को वास्तव में बुरा लगता है और वो महसूस करता है कि मैलो ने उससे प्यार नहीं करती, और गुस्से में फिली वहां से चला जाता है। और अगले दिन वो अपने दोस्त शर्मन को इसके बारे में बताता है, तब शर्मन ने फिली को डांटता है इसलिए तूने इंटीमेट होने से पहले उसे शादी के बारे में क्यों बताया। लेकिन यहाँ फिली मैलो से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह पा रहा है और अगले ही दिन फिली ने मैलो से डेटिंग के लिए पूछता है और तो मैलो ने सहमत देती है और उसी रात तैयार होके दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक दूसरे के साथ फ्लर्ट भी करते हैं। फिर वो दोनों घर आते हैं और दोनों इंटीमेट होते हैं। बाद में इंटीमेट होने के नाते मैलो को अचानक कुछ हो जाती है और वो चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। तब फिली उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जब मैलो उठती नहीं है तो फिली ने घबराया जाता है और उसे लगता है कि मैलो मर चुकी है।
क्योंकि लेस्टर ने एक बार उसे बताया था कि मैलो एक हॉट पेशेंट है, और ये सोचकर फिली बहुत डर जाता है और लेस्टर को बताने के लिए सीधा उसके पास जाता है। और उनके जाते ही हमें पता चलता है कि मैलो ने मरने का नाटक कर रही है और वो अभी भी जिंदा है। और यहाँ फिली ने लेस्टर को वहाँ पर लाता है और लेस्टर आके चेक करता है और कहता है कि वो मैलो मर चुकी है और आपने इसे मार डाला, और क्योंकि तुम दोनों के अलावा इस कमरे में और कोई नहीं था। बाद में वो पुलिस को फोन करना शुरू कर देता है, तब फिली ने उसे रोकता है और बताता है कि जो आप बोलोगे वही करूंगा, और कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो जाता है। अब लेस्टर कहता है कि अब उन्हें मैलो के बॉडी को डिस्पोज करना होगा, और दोनों ने मैलो के लाश को एक बड़े बैग में डालकर फ्रीजर में बंद कर देता है, इसलिए कि उसका शरीर खराब ना हो जाए। उसके बाद दोनों लॉन में जाते हैं और कब्र खोदने लगते हैं। उसके बाद दोनों मैलो के लाश को फ्रीजर से बाहर निकालते हैं, और जो बन गया था बहुत भारी। तब लेस्टर कहते हैं वो फ्रीजर की वजह से ऐसा लग रहा है, जबकि मैलो उस बैग में नहीं थी, क्योंकि जब वो कब्र खोद रहे थे तभी मैलो फ्रीजर से बाहर आ गई थी। और बाद में लेस्टर और फिली ने मैलो के लाश को बरी करते हैं, और फिली अगले दिन देखता है कि कब्र खोदी गई है और मैलो की बॉडी वहां पर नहीं है। यह सब देखकर फिली बहुत परेशान हो जाता है और वो सीधा लेस्टर के पास जाता है और इसके बारे में लेस्टर को बताता है, लेकिन लेस्टर कहते हैं कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तब उनको एक लेटर मिलती है और किसी ने मैलो की लाश को निकाल ली है, और अगर वो इसे वापस चाहते हैं तो उन्हें $10,000 देना है, नहीं तो पुलिस को लाश मिल जाएगा। तब लेस्टर कॉल करता है और बाद में बताता है कि किसी ने उसे बीती रात शव को दफनाते समय देखा होगा और हमें उसे पैसे देना चाहिए। तब हमें पता चलता है कि ये लेटर खुद लेस्टर ने पैसों के लिए रखा था। तब फिली ने लेस्टर की बात को मानता है और अपने पिता से $10,000 को अपना पिता की तिजोरी से लेता है और ब्लैकमेलर द्वारा बताई गई जगह पर रखता है। बाद हम देखते हैं लेस्टर उस पैसों के साथ अपने घर आता है और जहां मैलो ने उसका इंतजार कर रही है। तब हमें पता चलता है उस मैलो का असली नाम निकोल है, और इसलिए निकोल लेस्टर को सुन रही थी क्योंकि निकोल इस देश से नहीं थी, वो इस देश में अवैध रूप से आई थी और लेस्टर ये जानता था। और बाद में निकोल ने लेस्टर को बताती है कि उन्हें इस तरह फिली का फायदा नहीं उठाना चाहिए। तब लेस्टर ने उसे बताती है कि यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुम एक इमिग्रेंट हैं और इस देश में इल्लीगली आए हैं, और यहाँ 15 साल के लड़के के साथ अफेयर होना अपराध है। तो ये निकोल को डराता है और वो कुछ नहीं कहती है, और लेस्टर ने निकोल को अपने पुराने होटल में छिपे रहने के लिए कहता है। लेकिन अब निकोल भी फिली के साथ प्यार हो गया है, और इसके बाद निकोल ने फिली के पास जाती है और फिली उसे जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। तब निकोल ने उसे सब कुछ बताती है कि उसने यह सब लेस्टर के इशारे पर किया, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ हूँ। ये सुनकर फिली बताता है कि उन्हें लेस्टर से पैसा निकालना है, लेकिन निकोल नहीं जानती है कि लेस्टर ने वो पैसा कहाँ रखा। लेकिन दोनों लेस्टर से पैसा निकालने की प्लानिंग बनाते हैं। इसके बाद निकोल फिली के टेनिस कोच जैक को तैयार करती है कि वो एक पुलिस अफसर के रूप में फिली के घर आना है, तो जैक इसके लिए मानता है और वो पुलिस की वर्दी पहनकर फिली के घर जाता है और मैलो के बारे में पूछताछ करना शुरू करता है और कहता है कि मैलो अचानक कहाँ गायब हो गई। तब उसको को खबर मिलती है उस लेस्टर ने मैलो को मार डाला है। लेस्टर हाउस में मैलो के कुछ कपड़े भी मिले हैं जिसे निकोल ने खुद यहाँ रखा था, और लेस्टर यह सब देखकर पूरी तरह नर्वस हो जाता है और बताता है वो मैलो जिंदा है और वो एक होटल में है। और लेस्टर अधिकारी को बताता है वो मैलो का असली नाम निकोल है। तब अधिकारी उसे बताता है कि अगर आप यहाँ 2 घंटे में निकोल को जिंदा नहीं लाते तो मैं आपको निकोल की हत्या के मामले में गिरफ्तार करूंगा। इसके बाद लेस्टर उस होटल में जाता है। बाद वो सीधा उसकी होटल में जाता है, लेकिन उसे पता चल गया कि वो निकोल ने उस होटल से भाग गई है। अब उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, इसलिए वो पैसे लेकर इस शहर से भागने की प्लानिंग बनाता है और वो एयरपोर्ट की तरफ बढ़ना शुरू करता है। दरअसल फिली भी वही चीज चाहता था, वो उसका प्लानिंग था। बाद में वो लेस्टर की कार को फॉलो करते हैं। अब लेस्टर ने एयरपोर्ट पर पहुंचता है, लेकिन लेस्टर को फिली के पिता ने यहाँ पाता है और वो आज ही वापस आ रहा था और लेस्टर इसके बारे में भूल गया था। फिर फिली भी निकोल और जैक के साथ वहाँ पहुंचता है। इसके कारण लेस्टर भागने में नाकाम हो जाता है और फिली ने लेस्टर के हाथों से पैसे का बैग ले लेता है, और फिली अपने पिता को लेटर के बारे में कुछ नहीं बताता, और बदले में लेस्टर भी इस बात को छुपा के रखता है। वो निकोल यहाँ अवैध रूप से रह रही है, और इसी के साथ फिली का अफेयर फिर से चालू होता है, और ये लेस्टर की नौकरी भी बचाता है। इसके बाद यह निकोल फिली को बताती है मैं इस काम छोड़ रहा हूँ क्योंकि कभी कभी तुम्हारे पिता हमारे अफेयर के बारे में जानने आएंगे और वो मुझे आग लगा देंगे या पुलिस मुझे अरेस्ट कर देंगे। लेकिन निकोल फिली से वादा करती है
कि मैं तुम्हें देखता रहूंगी। निकोल भी जाने से पहले फिली के साथ इंटीमेट होती है और फिर अगले दिन निकोल वहाँ से निकल जाती है और इसके बाद फिली अपने स्कूल जाता है और वहाँ एक हॉट टीचर को देखता है। ये वही टीचर है जिसने फिल्म की शुरुआत में फिली को समझाया। तब फिली ने टीचर को एडवाइस देने के लिए धन्यवाद करता है और फिर वो टीचर से पूछता है कि आज रात डेटिंग में आने के लिए, तो टीचर भी उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और मूवी यहाँ खत्म होती है। तो ये थी प्राइवेट लेसन्स की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो पूरी फिल्म देखें और अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।